सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हमेशा दूसरों की सफलता पर ध्यान देने से बेहतर है अपनी सफलता पर ध्यान देकर उनसे भी बेहतर बन जाना। व्यक्ति को अपने जीवन में परछाई और आईने के जैसे दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। हमारी समस्या का हल सिर्फ हमारे पास ही है, दूसरे के पास तो हमारी समस्या का सुझाव है। आज का पंचांग 15 दिसंबर 2021 दिन बुधवार, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात्रि 2:01 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र सुबह 7:35 तक रहेगी, अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:21 से 1:41 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रात्रि 3:50 तक रहेंगी। इसके उपरांत धनु राशि में प्रवेश करेंगी। वृषभ राशि आज यह बहुत साहसिक अनुभव कर रहे हैं और अपना रास्ता खुद बनाने के लिए तैयार हैं। आप अपनी इच्छा शक्ति से सब मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। आज आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए अपने सभी मुश्किल काम आज करने की योजना बनाएं। सफलता आपके कदम चूमेगी। दूसरे के विश्वास का सम्मान करें और नम्र बने रहें। आप सफलता हासिल करने की राह पर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमेशा अंतिम समय पर सावधानी नहीं रखते। जीवन अप्रत्याशित होता ही है, इसीलिए इन परेशानियों की अधिक चिंता ना करें। जीवन के पथ पर उत्साह और जोश से आगे बढ़ते रहें। आज के दिन आपके संपत्ति सुख में विस्तार का दिन रहेगा। आज आपको अपनी वरिष्ठ सदस्य की मदद से धन प्राप्ति हो सकती है। पारिवारिक जीवन जी रहे लोगों में आज सरलता बनी रहेगी। यदि परिवार में कोई कलह चल रही थी तो वह आज फिर से सिर उठा सकती है, जिसके कारण आप थोड़ा परेशान रहेंगे। विद्यार्थियों को नया ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होगा, जिससे उनको भविष्य में लाभ मिलेगा। आज आप किसी भजन कीर्तन आदि में सम्मिलित हो सकती हैं। आज के दिन इस राशि वालों के लिए काम के लिहाज से अच्छा है। व्यापार में काम धंधे की स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। किसी सरकारी ऑर्डर या टेंडर में सफलता मिल सकती है। सावधानियां, आज आपको सरकार से जुड़े कार्यों में थोड़ा संभल कर कार्य करना होगा। नौकरी पेशा वर्ग के जातक का काम तो अच्छा चलेगा, परंतु उनको भी अपने काम में ध्यान देना होगा। बॉस से आज कुछ विवाद हो सकते हैं, ध्यान रखें। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों के सख्त व्यवहार से परेशानी भी हो सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। आज संध्याकाल के समय मित्र के साथ किसी समारोह में शामिल होंगे। आज आपके प्रेम के रिश्तों में भ्रम और पहेली की स्थिति रहेगी। आप अपने साथी के कार्यों और मंशा को समझने में असफल रहेंगे। बेचैनी और असंतोष की एक अस्पष्ट भावना भी आपके अंदर रहेगी। सब कुछ ठीक होने में समय लगता है और वो आपको देने की जरूरत है। जल्दबाजी में चीजों से निपटना आपको कुछ मदद नहीं दे पाएगा। धीमी गति से आगे चलें और स्थिति का हल अपने आप निकल जाएगा। बात करते हैं करियर की। कुछ परिवर्तन आपके कार्यस्थल में होने की संभावना है। वे पहली बार में हतोत्साही लग सकते हैं, लेकिन जल्दी ही वे आपके लिए नए अवसर खोलेंगे। लेकिन इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आपको साहस और विश्वास की छलांग लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। ये व्यापार आपको जोखिम भरा लग सकता है, लेकिन जो आप करेंगे उसमें आनंद आएगा और जल्दी ही इसमें सफल होने की उम्मीद भी रहेगी। बात करते हैं सेहत की। आप अपने किसी शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के किसी एक पहलू पर पिछले कई दिनों से कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। आज स्पष्ट रूप से सोचकर फैसला लेने का दिन है। आपने जो सुरक्षा कवच ओढ़ा हुआ है वे आज टूट जाएगा और आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में सच्चाई का सामना करना होगा। यह आपकी
सेहत की बेहतरी के लिए पहला कदम होगा, क्योंकि अब आप सच्चाई से भागने की बजाय उसे देखकर और समझकर जरूरी कदम उठा पाएंगी। आज का उपाय, आज आप गणेश भगवान जी की पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।